उज़ान, उज़ान, नाज़ली, 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 इसको एक बार जल्दी पहुंचो, जल्दी आओ, नाज़ली बेटी, क्या हुआ बेटी को? नाज़ली, नाज़ली, तुम जरा उस तरफ देखो, नाज़ली बेटा ये क्या कर रही हो? जो मैं हमेशा करती हूँ वही कर रही हूँ, और क्या? नाज़ली मेरी बेटी, चलो अंदर चलो, आराम करो। हाँ, या क्या कह रही है फातिमा मम्मा? आपने मुझे कभी भी मेरा काम छोड़े हुए देखा है? नूरजहां, तुम जाओ और हिकमत को ढूंढो, उससे कहो कि लड़की के पीछे जाए, समझी? ऐसा ना हो कि ये कोई बेवकूफी कर बैठे। जाओ जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मॉम, मेरे बाबा ये सब कैसे कर सकते हैं? तुम अभी तक इसी बात पर अटके हुए हो औजान, तुम्हें ये एहसास नहीं हो रहा कि वो आदमी हमें छोड़ गया है, पूरे खानदान को भूखे भेड़ियों के सामने डाल गया है, वो तुम एक ही बात सोचे चले जा रहे हो। नहीं मॉम, ऐसा तो ना कहें आप, हो सकता है इसके पीछे कोई और बात हो, या बाबा को कोई धमकियां दे रहा हो। जैनब बिल्कुल ठीक कह रही है मॉम, जरूर कोई बड़ी परेशानी होगी, वरना वो हमें ना छोड़ते। हमने अपनी हर चीज खो दी है, समझो सड़क पर आ गए हैं, ये सोफा भी अब हमारा नहीं है, समझ रहे हो तुम इस बात को? मैं क्या करूं अब, हम क्या करेंगे? हाँ, हम क्या करेंगे अब, इस बात का भी जवाब मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि मेरे बेटे का दिमाग तो सिर्फ हमारा गर्दी में चलता है और किसी चीज में नहीं। मॉम खुदा के लिए, अब इस बात पे बहस करेंगी आप? ऑल राइट मॉम, ठीक है, परेशान मत हो, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, ठीक है, और वहां जाकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या कुछ हमने खो दिया है और क्या हम बचा सकते हैं, ये सब देखता हूँ। क्या पता कुछ दोस्त अभी भी बाकी हों जिनको मैं कॉल कर सकता हूँ हेल्प के लिए, हो सकता है कुछ ऐसे पार्टनर्स हों जिन्होंने लोन लिया हो लेकिन वापस न किया हो। आप समझ रही हैं ना? आप फिक्र न करें, मैं जाकर सब मालूम करता हूँ, रिलैक्स, ठीक है ना ज़ैनब? तुम भी परेशान मत हो, ओके? बस तुम देखना, मैं सब संभाल लूंगा। क्या हाल है? इस बेचारे को इसका शौहर शादी की रात छोड़ गया। माहिर अंकल, आप कहते थे ना मैं आपके बेटे जैसा हूँ, परेशानी हो तो आपके पास आऊँ, तो लीजिए आ गया। हालात पहले जैसे हैं औजान?
सुलेमान भाई, आप तो मेरे बाबा के सबसे करीबी दोस्त हैं। ठीक कहा तुमने, दोस्ती अपनी जगह है और काम अपनी जगह है, समझे? वैसे भी क्या कर सकते हैं, सच पूछो तो जितने ताकत और सकत हम में मौजूद है वो इस बोझ को नहीं उठा सकती। और अगर ये हालात तुम्हारे ऊपर आ चुके हैं तो फिर ये काफी बड़ी मुश्किल है, क्या कर सकते हैं। जी ठीक है, शायद हमारी दोस्ती यहीं तक थी। आप लोग खाना खाइए। काम की पोजीशन वैसे ही ठीक नहीं है। खदीजा खाला, मैं अखरोट ले आई हूँ। बहुत जहमत की, बस अब हम अखरोट कहीं और से लिया करेंगे। नानी, मैं हूँ। उनका इंतकाल हो गया है, दरवाजा नहीं बजाओ। क्या क्या वाकई? चलो मेरी प्यारी बहन, चलो घर चलते हैं, चलो। हिकमत भाई। हाँ। पता है मुझे आपका वो कजिन कहाँ मिलेगा जिसमें इंसानियत बिल्कुल नहीं। जानता तो भी तुम्हें नहीं बताता, क्योंकि ये माँ जी का हुक्म है। नाजली, नाजली। ओके, मैं कह देती हूँ, ठीक है। वो इस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं है, मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। बेवकूफ बना रही हो, जानता हूँ अंदर हैं। शहनोल भाई। उजान साहब। वहीं रहो। शहनोल, क्यों चीख रहे हो? हाँ, क्या हो रहा है? वाह, ठीक है, जब हालात अच्छे थे तो सात छुट्टियां मनाते थे, जब कुछ ना बचा तो। जरा तमीज से बात करो। कम अज कम एहसान तो चुका दो, मेरे बाबा की वजह से ही तुम यहां पर हो। हाथ हटाओ। एक दिन मैं जरूर वापस आऊंगा, फिर देखेंगे। हटो। Nazlı,
रुक जाओ नाज़ली, नाज़ली। क्या है रजा, क्या तुमने भी कुछ कहना है? चलो कहो, तुम भी जलील करो मुझे। ना करो, ना करो नाज़ली। नहीं नहीं, कसम से ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, वो जो कहते हैं कहने दो, गांव वाले जो कहते हैं कहने दो उन्हें, जिसको भी जो कहना है कहने दो। मैं तुमसे तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ओह मैंने कह दिया, मैंने यकीन करो मेरा, दिल से चाहता हूँ तुम्हें यहाँ से, दिल से चाहता हूँ तुम्हें, दिल से। नाज़ली तुम सिर्फ हाँ कह दो, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम एक बार हाँ कह दो। किसी को भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोलने दूंगा, किसी को भी बोलने नहीं दूंगा, कसम से। मत जाओ तुम, मत जाओ नाज़ली। अब मैं नाज़ली नहीं हूं, तुम ये समझो मैं कभी थी ही नहीं। नाज़ली नहीं है, नहीं नाज़ली, नाज़ली खातुम। नाज़ली तुम मत जाओ, नाज़ली मत जाओ, रुक जाओ नाज़ली तुम, नाज़ली। ये लो चाय, बॉस के बेटे। छोड़ो भी ये बातें मेहमत, अब मैं कहां बॉस का बेटा रहा। याद है बचपन में हम यहां भागा करते थे और मेरे बाबा ने हमारे लिए गाड़ी बनाई थी। तुम धक्का देते थे और मैं ड्राइवर बनता था और फैक्ट्री सर पे उठा लेते थे। तुम्हारे बाबा दुनिया से चले गए, तुमने उनकी जगह संभाल ली और उनके सारे काम भी, वो भी अच्छे से। बाबा फरार हो गए और मैं उनकी जगह पर हूं, लेकिन अगर सच बताऊं मेरे भाई तो मैं कोई काम नहीं कर पा रहा। कभी भी ऊपर वाले से ना उम्मीद नहीं होते, इसका हल जरूर निकलेगा, और अगर नहीं भी निकलता तो कोई बात नहीं, इतने उदास क्यों? नाज़ली मेरी बेटी, क्या हुआ है तुम्हें? नाज़ली, नाज़ली। तोबा, इसे क्या हुआ? क्या होगा, सब उल्टी सीधी बातें जो कर रहे हैं। नाज़ली तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, भूख लगी होगी ना, चलो आ जाओ, जिद ना करो। नाज़ली, नाज़ली, नूरजहाँ बाजी। हाँ, मुझे ये फात मम्मा का भतीजा कहाँ मिलेगा? मुझे क्या मालूम भला, तुम खाना खाओ बस। भाई
अगर मुझे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ गई तो मेरे सारे दोस्त, हमारा घर। मैं सब संभाल लूंगा, कोई रास्ता निकल आएगा। मैं स्काउट प्रॉमिस करता हूँ, स्काउट अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करते हैं। भाई आप तो कभी स्काउट बने ही नहीं। ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ना, मेरा यकीन करो कुछ दिन बाद हम इन बातों को याद करके हंस रहे होंगे। और क्या बाबा वापस आएंगे? हाँ वो वापस आएंगे और मैं उनको अपने सामने बिठाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि औरान साहब आपको क्या परेशानी थी कि आपको दुनिया से छुपना पड़ा। सारे जवाब लूंगा। क्या हमेशा वही डांटेंगे? इस दफा मेरी बारी है। हाँ बिल्कुल, आप उनको डांटना और पूछना ऐसे भागने का क्या मतलब है? बिल्कुल ऐसा होगा, मैं मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं तो कहूंगा तुम भी डांटना, जिसका जो दिल चाहे कह देना। हाँ लेकिन हम बदतमीजी नहीं करेंगे, क्योंकि वो मजबूर ना होते तो कभी ऐसा ना करते। हाँ ऐसा ही है। मेरी फिक्र मत कीजिएगा मियां। मैं ठीक हूं, ये तो खुशी के आंसू है बस। कुछ दिन पहले ही तो मेरी शादी हुई है, कितनी खूबसूरत शादी थी। बस बाबा नहीं थे मेरे पास और वो मेरा दिल तोड़ कर चला गया। उसने तो मेरी पूरी दुनिया तबाह कर दी। एक बार फिर मैं वही वादा करती हूँ जो बाबा की जानिब पे किया था। आइंदा मैं किसी को कभी भी अपने करीब आने की इजाजत नहीं दूंगी। इस बार तो मैं हार गई, इस बार छूट जाने की तकलीफ दुगनी हो गई। पहले बाबा को खोया और अब अपने प्यार को। अब मैं क्या करूंगी अम्मी? ठीक है समय, ठीक है ठीक है, हम आएंगे, शुक्रिया। माँ जी ट्रक बस स्टॉप के पास मिला है लेकिन नाजली का कुछ पता नहीं चला। अम्मा ये देखिए अम्मा। क्या हुआ लड़की? संदूक हाँ। खाली है। दिखाओ। या अल्लाह अब हम क्या करेंगे? फोन दो। हेलो यशार, बहुत बुरा हो गया है, तुम्हारी बेटी इस्तांबुल आ रही है। स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम मेरी चार पत्तियों वाली शाह और मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी भर इसे मेरी निशानी बनाकर गले में पहन कर रखो और मुझे भी अपने दिल में रखो हमेशा। हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ, कहानी यूं ही बनती गई और फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। कहानी बनी नहीं है बल्कि तुम उसे छोड़कर आए हो। फॉर गॉड सेक सरकन, इस वक्त बाबा की वजह से बहुत परेशान हूँ मैं। तुम्हारा परेशानी से क्या ताल्लुक, ये बात मैं मानने से इनकार करता हूँ। खुदा के वास्ते इस वक्त ये बातें मुझसे मत करो, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। बाबा ने जो कर्ज छोड़े हैं वो मजाक नहीं है। पैसे अरेंज ना हो सके तो हमें घर भी छोड़ना होगा। मेरे भाई तुम तो मेरे हालात अच्छी तरह जानते हो, अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हें कुछ पैसे निकाल कर दे देता। अगर तुम सीमा को छोड़कर ना गए होते तो वो आज तुम्हारी मदद कर सकती थी। वाकई मुझे अच्छी तरह याद है किस तरह वो लड़की तुम्हारी पार्टनर बनने की मुसलसल कोशिश कर रही थी। जरा उससे बात करो, क्या पता कोई फायदा हो जाए। तुम चाहते हो कि मैं सीमा को यूज करूं? ये मुनासिब नहीं है मेरे भाई।
क्या तुम गांव में किसी दरख्त से गिर गए और तुम्हारी अकल घास सरने चली गई? तुम मुझसे मदद मांग रहे हो, घर खाली करवाने के लिए लोग आने वाले, मैंने मशवरा दे दिया है, मर्जी आगे तुम्हारी। लाओ जरा मुझे अपना फोन तो दो। क्या तुम्हारा फोन भी बंद हो गया? मेरे भाई तुम तो गुरबत की खाई में जा गिरे हो। किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम? लास्ट टाइम भी सीमा को मैंने मैसेज किया, मुलाकात भी की और फिर छोड़ दिया, और तुम चाहते हो कि मैं फिर से उसे अपने नंबर से कॉल करूं? डू यू थिंक वो मेरा फोन उठाएगी? लाओ फोन दो। सर देखो फोन किसका है, दिखाओ मुझे जल्दी। सरकम इसकी कॉल, चलो उठाओ लगाओ मेरे कान पे। हेलो हेलो सीमा, ओजान हाउ आर यू? तुम तो मुझे कॉल ही नहीं करते थे, क्या हुआ? कैसी बातें करती हो सीमा डियर, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो मुझे अचानक आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ गया था बस। ओह रियली? अच्छा तो तुम कंट्री से बाहर थे इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। हद है वैसे, मैं मर भी जाती तो तुम्हें नहीं पता चलना था। अरे ऐसा मत कहो, तुम क्यों मरने वाली हो? और मैं कैसे जीऊंगा? अच्छा लिसन, कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ, मुझे बस तुम्हारा एक घंटा चाहिए। इस वक्त मैं सरकन के क्लब में हूँ, अगर शाम को टाइम है तो मैं इंतजार करूँगा। पता नहीं वैसे, चलो मैं कोशिश करती हूँ शाम में आने की। ओके सी यू, बाय बाय। पकड़ो। हो गया ये काम। ये मेरा भाई। अच्छा सा टेबल तैयार करवा देना। ठीक है, डोंट वरी। ठीक तो है? मैं वो हवा की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। लगता है आपको हेल्प की जरूरत है। नहीं नहीं शुक्रिया। वो सुबह से मैं एक शादी हॉल ढूंढ रही हूँ, क्या आप जानती हैं उसके बारे में? गुड मून नाम है, क्या आपको पता है? ये देखिए, दिखाओ जरा, चेक करती हूँ। ये शादी हॉल थोड़ी है, ये तो क्लब है। क्लब? हाँ तो सीमा डियर, और सुनाओ कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ ओजान, जब से तुम गए हो कोई चेंज नहीं आया। तुम अपनी सुनाओ, कहाँ थे और कैसा रहा सब, बताओ कुछ। यार वो आउट ऑफ सिटी कुछ काम था, बस इसीलिए गया था मैं। कंट्री में? मगर कॉल पर तो तुमने कहा था कि तुम कहीं बाहर गए हुए थे। आउट ऑफ कंट्री, कभी आउट ऑफ सिटी, मुझे हर जगह ही काम था और मैं बस वो काम ही करने गया था। मगर प्लीज काम की बात मत करो, बोरिंग लगता है।
यू नो व्हाट, मुझे काम की बात करना पसंद नहीं। आई नो यू, काम की बात करना पसंद नहीं। एनीवे, जब मेरा तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तो मैंने तुम्हारे बाबा को कॉल की। अच्छा, बाबा को? रियली? अच्छा, वो तो कह रहे थे कि वेकेशंस की जरूरत है इसलिए कहीं बाहर चले गए होंगे। उजांतियर, ये बताओ, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रहा है? एक्चुअली हाँ, यही बात मैं तुमसे करने वाला था। एनीवेज, शाम खराब नहीं करते। ठीक है, शाम खराब नहीं करते फिर। बड़े बूढ़े कहते हैं कि जो हो गया उसे भूल जाओ, बस फ्यूचर का सोचो। नाज़ली, नाज़ली रुको। तुम यहां क्या कर रही हो? तुमने मुझे धोखा दिया, पूरे गांव के सामने मुझे जलील किया, तुमने मुझे शादी की रात छोड़ दिया। नहीं, जो तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा था मेरे करीब मत आना, मेरा दिल मत तोड़ना, मुझे तकलीफ मत देना, कहा था मैंने तुम्हें। देखो नाज़ली, मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ, कसम से बहुत बड़े फैमिली क्राइसिस में हूँ। मैंने अपनी आंखों से देख लिया है तुम कितनी परेशानी में हो। क्या उस तुम्हें वही कहानियाँ सुना रहे हो? नाज़ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी फ्रेंड है, मेरे बचपन की दोस्त है, वो यकीन करो। जाहिर है वो शहरी लड़की है, मेरी तरह गाँव की नहीं, जो तुम धोखा दे दो उसे। मैंने धोखा नहीं दिया तुम्हें और ना ही धोखा देना चाहा मैंने। यकीन करो, तुम जैसा खूबसूरत इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं तुमसे बहुत ज्यादा। मुझसे बहुत ज्यादा क्या? बहुत। तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की, कभी भी। इंसान उस शख्स को छोड़ के नहीं जाता जिससे मोहब्बत करता है। ये लो, मेरे दिल में तुम्हारी जरा भी जगह नहीं है। नाज़ली, तुमने मुझे तड़पाया है और अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगी। नाज़ली, क्या कर रही हो तुम? मैंने कसम खाई थी, जो भी शख्स मुझे आइंदा जिंदगी में छोड़ के जाएगा, मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगी, लेकिन मैं अपने दिल पे काबू नहीं रख पाई। तो ठीक है फिर, ठीक है, दिल पर काबू रख पा रही हो तो। खामोश।
उजान, तुम ठीक तो? उजान, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे, कौन था वो? किसने किया तुम्हारे साथ? बताओ मेरी जान, बोलो तो सही। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? बताओ मुझे। क्या हुआ उजान? खामोश क्यों हो? कुछ तो बताओ उजान, कुछ सब तो ठीक है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। रिलैक्स। क्या मतलब रिलैक्स? कह रहा है रिलैक्स हो जाओ। हाथ हटाओ, सब ठीक है। अरे कुछ नहीं, मैंने कहा ना हाथ हटाओ, सब ठीक है। हाथ हटाओ बस, अब प्लीज। तंग आ चुका हूँ मैं, और मैंने नहीं देखा कि कौन था। ठीक है, सी यू। उजान, तुम कहाँ जा रहे हो? ये लड़की गन के साथ क्या कर रही है? पुलिस स्टेशन, ये एक रिपोर्ट कर रही थी। नाज़ली कहाँ चले गए? बैठो बेटा। लगती तो तुम अच्छे घर की हो, ये गन क्या कर रही थी तुम्हारे पास? तुम मुझे सब सच बता दो बेटी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा चलो बताओ, कोई है जिससे बात करनी है? बोलो। फातिमा अम्मा से। मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। नाज़ली बेटा, ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया? मेरा भी नहीं सोचा तुमने। देखो आप, फोन रखो, समझ गई? मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती हूँ, ठीक है? फोन रखो। नाज़ली का अगर बाल भी बीका हुआ तो तुम जिम्मेदार होगे, ये याद रखना हमेशा। आ, आ, देखो उस खबीज की कॉल है। क्या है बोलो? तुम अब किस मुंह से यहाँ कॉल कर रहे हो? तुमने जो किया है ना, उस वजह से मेरी बेटी नाज़ली के हाथ खून से रंगे जाते, बाकी की जिंदगी जेल में गुजारती। किस मुंह से फोन कर रहे हो? रखो, बात नहीं करनी मुझे तुमसे। आंटी, आंटी प्लीज, मैं कॉल बंद कर दूंगा, लेकिन मेरी बात सुनिए प्लीज। सब जगह ढूंढा है मैंने उसे, मुझे नहीं मिल रही वो। मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए आपको फोन किया मैंने। आज के बाद तुम्हारा इससे जरा सा भी ताल्लुक नहीं है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो उसकी। हम यहाँ पर
उसकी फिक्र करने के लिए बैठे हैं, समझ गए? ये बात अपने दिमाग में तुम बिठा लो। ना मैं तुम्हारी फूफा हूँ और ना आज के बाद मुझे कॉल करना। मेरी नाजली का दिल दुखाने वाला अब मेरा कुछ नहीं लगता। चलो रखो फोन। थैंक यू सो मच ऑफिसर। मेरा नहीं, वकील साहब का शुक्रिया अदा करें। चलें अच्छा है, कम से कम उस बच्ची के अच्छे घर वाले हैं। तुम आजाद हो। फातिमा अम्मा ने भेजा है। कैसी हो? हाँ, मुझे फातिमा अम्मा ने ही भेजा है। चलें? चलते हैं। फातिमा अम्मा को कॉल कर लूं? वो तो अब तक परेशानी से पागल हो चुकी होंगी और सुबह तक सोएंगी भी नहीं। नहीं नहीं, शुक्रिया, मेरे पास अपना फोन मौजूद है। नाजली का फोन है। तुम ठीक हो? हेलो फातिमा अम्मा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी ये दोस्त मुझे बस स्टॉप लेकर जा रही हैं। सुबह मैं इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगी। हाँ नाजली बेटा, बात सुनो मेरी, तुम मुझ पे भरोसा करती हो ना? वैसे ही मेरी बेटी आरजू पे भी भरोसा कर सकती हो, ठीक है? वो भी तुम्हें कहीं लेकर जाएगी, वहाँ तुम आराम कर सकोगी। हाँ अभी तुम थकी हुई होगी, आराम से सो जाओ, हम कल सुबह बात करेंगे अगर अल्लाह ने इजाजत दी। ठीक है फातिमा अम्मा। खुश रहो मेरी बच्ची, खुश रहो। बताएं सब ठीक है ना? शुक्र है मेरे खुदा का। शुक्र, हाँ शुक्र है मालिक का। शुक्र। आने देती ना आप अम्मा उसे, वहाँ रहकर वो बिचारी क्या करेगी? नूरजहां, हाँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो वहाँ पर अकेली नहीं है, हाँ। बिल्कुल अकेली है। नहीं है। चलो चलो, वो चलो तो है ना, आ जाओ। शुक्र तो है, अल्लाह शुक्र। तुम फातिमा अम्मा को कैसे जानती हो? दरअसल हम लोगों की कॉमन फ्रेंड है। हैरत है, उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं। क्या उन्होंने बताया मेरे साथ क्या हुआ है? जो ओजान ने किया है तुम्हारे साथ, क्या उसकी बात कर रही हो? बताया है उन्होंने। मतलब वो तुम पे इतना भरोसा करती हैं? उन्होंने मुझे भी कहा कि मैं तुम्हारे पास ही रहूं, जितना उन पे भरोसा करती हूँ तुम पर भी कर सकती हूँ। अच्छा लगेगा मुझे ये।